हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एक्सप्रेस, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एम्बिशन। दिस इज करण मिश्रा, योर गुरुजी, बनाएगा सब कुछ इजी। तो आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे वो देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। तो हेलो स्टूडेंट, तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है ये हमने देख रखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे। तो आज की वीडियो में हम जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, तो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है तो देखते हैं। देखिए, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग का मतलब ये होता है जो हमारे अंदर भी मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे होता है और क्यों होता है? तो हमारे अंदर एक्सट्रीमली वीक करेंट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी या ब्रेन जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे करता है, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक इम्पल्स है तो मैंने जैसे बताया था, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे मैग्नेट होता ही होता है। तो हमारे अंदर बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है जिसपे हमारा ब्रेन वर्क करता है। जैसे मान लो आपको कोई टच करता है, तुरंत पता चलता है। आप गर्म चीज पे हाथ रख देते हो, तुरंत हाथ हटा लेते हो, क्योंकि आपका ब्रेन आपको बोलता है हाथ हटाने के लिए। इतने में क्या क्या प्रोसेस होता है? तो इतने में जैसे ही आपने गर्म चीज पे हाथ रखा, आपके हाथ से जैसे आपने गर्म चीज पे हाथ रखा आपके हाथ से ये इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन भेजा आपको हाथ हटाना है। फिर आप हाथ हटाते हो और इतना काम तुरंत हो जाता है, विद इन सेकेंड्स। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है। तो हमारे अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म भी पाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक्सट्रीमली वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। तो और ये क्यों होती है? ये होती है चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के कारण होती है ये। तो अब हमारे अंदर आयन्स कौन से होते हैं? जैसे हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? बहुत सारे सोडियम क्लोराइड खाते हैं, बहुत सारे चीज। तो मेनली सोडियम और पोटेशियम आयन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो वही आयन्स यहाँ पे लिखा गया है जो आयन्स मदद करता है। जो दो ऑर्गेन होता है हमारे बॉडी में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी थोड़े सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते हैं, वो है ब्रेन और हार्ट। ब्रेन और हार्ट में जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। और इसी का फायदा उठा के, क्योंकि हमारे ब्रेन में और हमारे हार्ट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हम इसी का फायदा उठा के हम क्या करते हैं, हम वहां पे एमआरआई का यूज करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जो एमआरआई होता है ये मेनली यूजफुल होता है हार्ट का टिश्यू को डिटेक्ट करने के लिए, वो उसके इमेज बनाने के लिए कि वो कैसा है, वो टिश्यू कैसा है, उसके लिए ये एमआरआई बहुत यूजफुल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और एक हमारे हार्ट में होता है जो ब्रेन में होता है, उन दोनों का यूज करके हम एक इमेज बनाते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये हो गया एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो उस पे एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किधर लगता है, क्या होता है, वही इसमें हम देखेंगे। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट के दो पोल है, ये मान लो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये मान लो साउथ पोल है एक और एक नॉर्थ पोल है। चलो हम ब्लू वाले को नॉर्थ पोल लेते हैं, इसको हम साउथ पोल लेते हैं। और इसके बीच में यदि मान लो तुमने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो कोई वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, ऐसे रख दिया तुमने, ठीक है। ऐसे यदि तुमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया तो अब इस पे एक फोर्स लगेगा, यानी ये तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, किसी एक डायरेक्शन में ये मूव करता है।
तो अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी हमें निकालना होता है। और ये मेन जानना होता है, जो कभी तुमने यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को यहां पे रखा, कहां पे, किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इस पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही लिखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वही लिखा हुआ है, मैग्नेट एक्सर्ट्स अ मैकेनिकल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। अब यदि मान लो इसमें करंट हम बंद कर देंगे तो फिर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब यदि यहां पे अभी हम करंट ना दे तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हमने करंट दिया इस वायर में तो फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। नहीं समझा? जैसे इसमें करंट जाएगा ये भी तो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और ये ऑलरेडी मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट के बीच में या तो अट्रैक्शन होगी या तो रिपल्शन होगी, जिसके कारण इस पे एक फोर्स लगेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है, वो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, देख लेना। अब मेन होता है इसमें जो क्वेश्चन आता है जो डायरेक्शन निकालने का, जो फोर्स किधर लगेगा। आपको दो डायरेक्शन गिवन रहेगा। दो डायरेक्शन कौन कौन से है? एक तो आपको दिया रहेगा करंट का डायरेक्शन, दूसरा दिया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको पूछेगा जो इस पे फोर्स किधर लग रहा है कंडक्टर पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे मान लो मैं अभी दिखाता हूं, तो उसके लिए हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये क्या है ये देखते हैं। देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। अब मैं पूछूं आपको इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इसमें मैं यदि पूछूं आपसे, बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि मैं पूछूं तो आप ऐसे बोलोगे इधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ और एंड्स टुवर्ड्स साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा। तो कभी कभार आपको मैग्नेटिक पोल्स दे रखे होंगे, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा होगा, आपको क्या करना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एरो बना देना है, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैंने बोला इसमें जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, तो करंट इधर जा रहा है। अब मैं बोलूं इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, अभी तो इसमें करंट नहीं था तो ऐसे ही था, अब जैसे हमने करंट पास किया जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बताना है आपको जो ये किधर फोर्स लगेगा इस वायर पे, इस वायर पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है व्हेन वी स्ट्रेच आवर थ्री फिंगर्स, हम अपने तीनों फिंगर्स को जब स्ट्रेच करते हैं, कौन कौन से फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, इन तीनों को हमें स्ट्रेच करना है, खोलना है, ऐसे खोलना है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये सारे परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो पहले ऐसे कैसे खोलेंगे, ऐसे हमने हाथ रख लिया, अब इन दोनों को तो पहले बंद कर लेंगे और ये मिडिल फिंगर को ऐसे कर देंगे और ये ऐसे रहेगा और इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे, दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे देख लो आप, समझना, ये ऊपर रहना चाहिए और ये इधर और ये इधर। ठीक है, ये देखो ऐसे हाथ था, हमने इसको ऐसे मोड़ लिया, ये थम, ये हमारा इधर होना चाहिए, ये हमारा इधर होना चाहिए और ये ऐसे। अब देखो तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहा है, इसके साथ भी ये 90 का बना रहा है, ये मान लो इधर ले लो और इसके साथ ये भी 90, तो तीनों एक दूसरे के साथ 90 का बना रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे हम तीनों को फैला लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसने बोला ये वाला फिंगर जो होना चाहिए, ये वाला फिंगर होना चाहिए आपका करंट के डायरेक्शन में, तो ये वाला फिंगर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। यदि ये करंट के डायरेक्शन में होगा मिडिल फिंगर, और फोर फिंगर यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो थंब जो होगा वो हमारा देगा फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन। सुनो ध्यान से, फ्लेमिंग ने बोला हमें अपने तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर फैला लेना है, यदि ये फिंगर, यदि ये वाला फिंगर करंट के डायरेक्शन में होगा, ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो थंब जो होगा हमारा ये हमें देगा फोर्स का डायरेक्शन, कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है उसका डायरेक्शन। तो अभी इस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं इस पे फोर्स किधर लग रहा है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, या नॉर्थ टू साउथ, यानी इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में कर दिया। अब करंट किधर है, करंट उस डायरेक्शन में है, लेकिन मेरा उंगली तो इधर है, तो उसको उधर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे, गौर से देखो, आप गौर से, ये मिडिल फिंगर जो है हमारा
ये करंट के डायरेक्शन में है, करंट मैंने बोला था इधर जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में है। ये वाला फिंगर हमारा किधर है, ये इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देखो नॉर्थ से साउथ, ये वाला इधर है ना। तो हमारा जो थंब है वो किधर है, थंब नीचे की तरफ है, देखो ये नीचे की तरफ, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। मान लो हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, करंट मान लो इस डायरेक्शन में आने लगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमारा वही रहेगा इधर, करंट का डायरेक्शन अब बदल देंगे, पहले इधर था तो हम इसको ऐसे कर देंगे। तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है, देखो ऊपर की तरफ लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ टू साउथ, करंट हमने इधर कर दिया, तो हमारा ये थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन, यानी ये कंडक्टर ऊपर की तरफ भागेगा। तो ऐसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाले फिंगर को हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को एडजस्ट करना है करंट के डायरेक्शन में, तो ये अपने आप तुम्हें देगा किसका डायरेक्शन, ये देगा तुम्हें फोर्स जो लगेगा कंडक्टर पे उसका डायरेक्शन। हाँ लेकिन याद ऐसे एडजस्ट मत करना, जैसे मान लो अभी मैं करता, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर था, मान लो ऐसे था ना, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर था और करंट मान लो इस तरफ है, ऐसे आ रहा है, लेकिन मेरा करंट का उधर है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए इसको ऐसे मत ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इस फिंगर को ऐसे एडजस्ट नहीं करना, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना, ये इसको ऐसे ही फिक्स रखना है टाइटली। अब हाथ को घुमाना है तुम्हें, हाथ को ऐसे ऐसे घुमाना है, हाथ को घुमाना है बस, ये पोजीशन फिक्स रहने चाहिए, ये ऐसे या ऐसे नहीं करोगे, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, इस हाथ को तुम्हें घुमाना है और एडजस्ट करना है। तो आई थिंक तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वही लिखा हुआ है, व्हेन वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड्स फिंगर्स, थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इफ मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि हमारा मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द मोशन ऑन द कंडक्टर। तो हमारा फोर फिंगर जो हमारा थंब होता है वो फोर्स का डायरेक्शन देता है या मोशन का डायरेक्शन देता है कंडक्टर का, ये कंडक्टर होगा नीचे की तरफ मूव करेगा या ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन देता है। तो ये था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, देख लो एक बार अच्छे से। अब इलेक्ट्रिक मोटर, देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो मोटर तुम्हारा आ रहा है, जनरेटर नहीं आ रहा है, ठीक है, मोटर आ रहा है। अब मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या है, मोटर एक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे, मान लो तुमने मोटर लिया, मोटर के दो वायर होते हैं, उसको तुम इलेक्ट्रिसिटी में डालते हो, तो पहले तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो ना, फिर वो ऐसे रन करता है और तुम्हारे पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो पानी को ले जाना कौन सा वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क हुआ ना, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ये याद रखना, कौन किसकी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, मोटर का प्रिंसिपल क्या है, अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट्स द कॉइल कंटिन्यूअसली। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर किस पे वर्क करता है, इसी पे, जैसे हम इस वायर को यदि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे तो इस पे एक फोर्स लगता है, या तो ये ऊपर जाता है या तो नीचे, लेकिन यहीं पे यदि हम ये ना रखे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दे, तो रेक्टेंगुलर कॉइल पे वो हमेशा फोर्स लगेगा और वो रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करने लगता है। जैसे मैं तुम्हें अभी समझाऊं तो ये देखो ऐसा होता है कुछ। इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप एक मैग्नेट लेते हो, ये मान लो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, यू शेप मैग्नेट ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, मान लो यू शेप बना दो, ये भी ऐसे समझना, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इसके बीच में मान लो आपने एक रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस कर दिया, रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस कर दिया, और यहाँ पे हम लगाते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा होता है और फिर ये ऐसे, यहाँ पे भी कार्बन ब्रश लगा होता है, फिर ये बैटरी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। देखिए अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आता है, तो करंट इधर से जाएगा कार्बन ब्रश में, ये कार्बन ब्रश है, ये वायर है, वायर से करंट गया कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश से इसमें गया, इसमें ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर आपको इधर से आ जाएगा वापस, ठीक है। तो ये हो गया करंट। अब गौर से देखिए,
ये कॉयल कंटिन्यूअसली इसके बीच में कैसे मूव करता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि मैं यहाँ पे पूछूँ तो नॉर्थ से साउथ इधर है, इस पॉइंट पे यदि पूछूँ तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में करंट है। अब देखिए यदि हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए हैं तो क्या होगा, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो है वो उस डायरेक्शन में रहती है, यानी ऐसे होगा कुछ है, दिख रहा है, तो हमारा जो थंब है वो किधर है, नीचे की तरफ है, तो इस कंडक्टर पे फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये वाला कंडक्टर, ये जो फोर्स है ना इसका ये पार्ट इधर नीचे लगे, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, है फोर्स नीचे लग रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा ना। अब इस पार्ट पे यदि गौर से देखिए, इस पार्ट पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट के डायरेक्शन इधर हो गया, अब इस पे हम ये लगा तो ऐसे हो जाएगा, देखो ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ, और करंट आ रहा है इधर, तो ये करंट का डायरेक्शन, तो ये देखिए थंब किधर है, थंब ऊपर की तरफ है, तो इस वाले पार्ट पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, देखिए यहां वाले पार्ट पे फोर्स नीचे की तरफ है, ये ऐसे मूव करेगा और इस वाले पार्ट में ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दोनों तो एक ही जैसे, ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो ये तो ऐसे मूव करेगा ना, ये हमेशा मूव करता रहेगा ऐसे ही, तो ये फोर्स जब ये यहां पे आ गया, ये वाला पार्ट यहां पे आ गया, तो फिर से इसमें किधर लगेगा, नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, तो ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, जैसे मान लीजिए यहां है ठीक है, अब इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, और इस पे ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे मूव नहीं करेगा, ये ऐसे मूव करेगा या नहीं करेगा, तो बस वही चीज है यहां पे, इधर नीचे की तरफ लग रहा है, इस साइड नीचे की तरफ लग रहा है, इधर ऊपर की तरफ, ये ऐसे मूव करेगा और ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, क्यों, क्योंकि जब ये पार्ट यहां पे आएगा, जब ये वाला पार्ट, मान लो इसका नाम यदि मैं रख दू, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और डी, यदि ए बी जब इधर आ जाएगा और सी डी जब इधर आ जाएगा, सी डी जब इधर आ जाएगा तो ये इसके साथ फिक्स होता है, तो ये वाला जो कम्यूटेटर का पार्ट होगा इधर आ जाएगा, तो इसमें करंट फिर से इधर होने लगेगा, तो ऐसे मूव करता है, इसका नाम होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, कम्यूटेटर का फंक्शन होता है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स, कम्यूटेटर का मेन फंक्शन होता है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, बदलना, ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन, क्यों, क्योंकि जैसे ये वाला पार्ट अभी इधर है, जब ये वाला पार्ट आएगा तो इसमें अभी इधर जा रहा था, लेकिन जब ये वाला पार्ट सी डी यहां पे आएगा तो इसमें ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटर के कारण, ये कम्यूटेटर इधर आ जाएगा तो ये वाला पार्ट अब इससे अटैच हो जाएगा, तो इससे जैसे ही अटैच होगा तो इसमें ऊपर की तरफ करंट जाने लगेगा, तो कम्यूटेटर के कारण करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसका फंक्शन है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मूव करता रहेगा कंटिन्यूअसली, और आपका जो भी काम होगा वो होता रहेगा, इसीलिए बोलते हैं मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।